ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਬ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਫੁਰਸਤ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹਮ ਅਭੀ ਵੀ ਗਾਓ ਮੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਤੇ ਥੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਕਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਤੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਥਕੇ ਥਕੇ ਉਖੜੇ ਉਖੜੇ ਸੇ ਆਤੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਫਿਰ ਕਾਮ ਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਤੇ ਹੋ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹੀ ਆਪ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਚਮੈਨ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਚਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਲੋਕ ਰਾਤ ਕੋ ਹੀ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਕਿਆ? ਓ ਮਾਂ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇ ਦਸਤੂਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੀ ਮਾਂ। ਓ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਤੇ? ਓਏ ਕਿਆ ਹੈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋ ਥਾਟ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਤ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਹੀਰੋਇਨ ਕੋ ਮੂਡ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਰਾਤ ਰਾਤ ਰਾਤ। ਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਵੀਟੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਉਲਝੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਉਲਝਾਵਾਂ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਲਝਾ ਲੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਝੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥ ਰਹਿਣੇ ਲੱਗੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਅਭੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਆ? ਅਬ ਕਹਾਂ ਸਾਥ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਆ? ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਹਮ ਲੋਗ, ਮੈਂ ਚਲਤਾ ਹੂੰ ਮਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਬ ਜੂਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਤੋ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਹੈਲੋ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੂਨੇ ਮੇਰੇ ਜੂਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਏ ਕਿਉਂ? ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਐਸੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਚਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪਹਿਨਾ ਦੂੰ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਨ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਮਝਦਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਜੀ। हाँ बोल टोनी। हेलो टुक टुक काम बन गया, गुड गुड। मैंने जूते पे निशान कर दिया है, जब तेरे पापा घर पे आएंगे ना तब तू चेक करना कि जूते पे निशान है कि नहीं। हाँ ओके, अगर ऐसा होगा तो समझ लेना हमारे पापा टू इन वन है। ओके बाय बाय। पापा के चमचे कब तक इंतजार करोगे बेटा, जाके सो क्यों नहीं जाते? मुझे पापा से बहुत जरूरी काम है। टुक टुक। ओए बेटे टुक टुक। पापा। ओए मेरे पुत्र। आ गए आप? नहीं मैं कहाँ आया हूँ, मेरा भूत आया है। थके थके से लग रहे हो। वो क्या है ना कि दिन भर मैंने ऑफिस के अंदर बहुत भांगड़ा किया है। ऐसे उल्टे जवाब क्यों दे रहे हो? ओ डार्लिंग तू सवाल उल्टे पूछ रही है, अब आदमी दिन भर ऑफिस में काम करेगा तो थकेगा नहीं? क्यों करते हो इतना काम, जब देखो तो काम काम काम, मेरे लिए तो फुर्सत ही नहीं है तुम्हें। ओए रात को लेट आते हो एक तो थके थके, और फिर सवेरे जल्दी निकल जाते हो, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। रात को थके थके आते हो और सवेरे जल्दी चले जाते हो, ये डायलॉग तो एक ही चल रहा है दोनों जगह। ओए चालू दे पुत्र, नीचे क्या देख रहा है? जूते को। जूता क्या देख रहा है, तू भी पॉलिश करेगा? लाइए मैं निकाल दूं। अच्छा तू निकालेगा क्यों? मेरी टीचर कहती है माँ बाप के पैरों में स्वर्ग होता है। अच्छा टीचर इतना इंटरेस्ट लेके सिखा रही है, कब बोल रही थी तुझे वो? आज शाम को फोन पर। अच्छा फोन पर समझाया तुझे, कोई बात नहीं निकाल निकाल। अच्छा एक जूते पहना रहा है दूसरा जूते निकाल रहा है, यार ये मेरा कहीं जूते खाने का टाइम तो नहीं आ गया? क्या हो गया ओए, ऐसे क्यों देख रहा है, क्या हो गया? कुछ नहीं। ओए तेरी जुबान और तेरा एक्सप्रेशन मैच नहीं खा रहा है, कुछ नहीं तो ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत कुछ है। ओए क्या हो गया? ओए बहुत कुछ। बहुत कुछ? बहुत कुछ बोल के पांव पटक पटक के जा रहा है। ओए यार उसने जूते में किया कुछ, इस चालू जी पुत्र ने देखा कुछ, कह रहा है बहुत कुछ, लफड़ा है कुछ। अरे मेरे बेटा टुक टुक। हेलो पापा। हाँ मेरे पापा नहीं बेटे, अंकल। अंकल नहीं पापा, पापा हमको पता चल गया आप दो नहीं एक हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग दोनों? उस दिन टुक टुक ने आपके हाथ में ड्राइंग बनाई थी, वो मेरे पापा के हाथ में कैसे आई? हैं बोल। और कल इसने जो अपने पापा के जूते पे निशान बनाया वो मेरे पापा के जूते पर कैसे आया? मतलब अब हाथ से पैर तलक तो एक ही है ना? लेकिन तुमको कुछ गलत फहमी हुई है बेटे। हमें कोई गलत फहमी नहीं है, हम आपको 2 दिन का टाइम देते, आप खुद मेरी मम्मी को बता दो और मेरी मम्मी को भी, वरना 2 दिन के बाद हम दोनों आपका भांडा फोड़ देंगे। अच्छा 2 दिन के बाद मेरा भांडा फोड़ दोगे? हाँ भांडा फोड़ देंगे। भांडा बचा लो मेरा।
ओए मेरा भांडा बचा लो। क्या? ओए भांडा बचा लो। अरे यार शेखर यार, यार तू तलवार की तरह मेरे सर पे मंडराना बंद कर यार, बैठ जा। एक आइडिया आया है। किसको? मेरे को आया है। क्लियर कीजिए। अरे बोलने देगा तो क्लियर करेगा ना। बोलिए। थैंक यू। यार शेखर, अगर तेरी दोनों बीवियां अपने दोनों शोहरों को एक साथ देख लेवे तो? कैसे देख लेंगी? क्लियर कीजिए शेखर, किसी फिल्म का सीन तो नहीं है ना जिसकी जीरो कॉपी बना के एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, बहुत कंफ्यूजन है। अरे यार मैं डायरेक्टर है, मैं डबल रोल शूट करेगा यार। हाँ। और भांडा भी नहीं फूटेगा। हाँ ठीक है। लेकिन शेखर यार इसमें थोड़ा खर्चा होएगा। मेरे नाम का चर्चा हो जाए इससे तो अच्छा है थोड़ा बहुत खर्चा हो जाए। चलो ना मानी जी। हाँ यार मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा चालू है यार। यार बात खुशी की है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों रोना रहा है यार। भांडा बचाओ। सब क्लियर हो जाएगा। भांडा बचाओ। सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। भांडा बचाओ। अरे निशा जी अगर आप भी पार्टी में आती तो मैं कहता हूँ कि आपकी बाचे खिल जाती। बाचे आपके पति और हमने मिलकर जो धमाल की है वो पूरी पार्टी का मुंह है ना वो सिनेमा स्कोप की तरह खुल गया। और उनकी आंखें है ना वो 70 mm हो गई और साउंड है ना वो तो डिजिटल हो गया जी डिजिटल। अच्छा? हाँ जी। और देखता क्या हूँ मैं सबसे बड़ा तमाशा ये हुआ कि हम दोनों इधर खड़े हैं और हम दोनों सामने भी हैं जी चार। हाँ, चार चार। और हुआ यूं एक मिनट बाद मैंने रियलाइज किया कि सामने तो वीडियो कैमरा चल रहा है यार, ये वीडियो स्क्रीन है। तो मैं क्या यार वो चोरी चुपके वीडियो शूटिंग कर रहा है। अच्छा? तो मैं बोला कमाल का माहौल है भैया, इसका कैसे निकाल के हमको दे दो। तो हमने सोचा कि हम आपके भी घर में लाकर दिखा दें। दिखाओ मैं आपको। हाँ बिल्कुल। अच्छा मतलब आप वीडियो वाले को साथ लेकर गए थे। ओए निशा जी, ओए आपका पुत्र बड़ा कमाल है। लगता है जब ये पेट में था तो आपने बहुत सारी जासूसी फिल्में देखी होंगी। हाँ खुद गाजर के साइज का है और अपने आप को डिटेक्टिव समझता है। बेटा इतनी बड़ी पार्टी में जाते हैं ना तो वीडियो वालों को साथ लेकर नहीं जाते। और अब है ना थोड़ी देर चुपचाप बैठ कर रहना और ज़्यादा कॉमेंट ना करना, वीडियो इंजॉय करते हैं। यानी कि आपका बेटा टुकटुक भी आप पर शक करता है। अजी क्यों ना करे, निशा का बेटा जो है उसको ऐसा शक क्यों हो गया कि मैं तो मैं हूँ ही बल्कि आप भी मैं ही हूँ। वो बोल रहा था कि मैं भांडा फोड़ दूंगा। अच्छा भांडा फोड़ देगा। अगर उन दोनों ने हम दोनों को इस तरह से बातें करते देख लिया ना तो दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। अजी साहब दोनों की नहीं बल्कि चारों की, वो बड़ी दो भी तो है। अब और कुछ कहना है टुक टुक? कुछ कहना नहीं है, कुछ दिखाना है टोनी। और ये जुड़वा डुप्लीकेट की डुप्लीकेट कैसेट दिखाने का क्या क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है पापा, डुप्लीकेट में दो शाहरुख खान थे लेकिन दो शाहरुख खान है क्या? हाँ। और जुड़वा में दो सलमान खान थे लेकिन दो सलमान खान है क्या? अरे लेकिन तुम लोग दोनों तो दो हो। हाँ तो हम साथ में दिखते भी है ना। हाँ हाथ भी मिला सकते हैं, कान भी पकड़ सकते हैं, गले भी मिल सकते हैं, लेकिन अब दोनों साथ में क्यों नहीं दिखते? हाँ लेकिन अब दोनों साथ में क्यों नहीं दिखते? ओए तेरा डैडी बिजी आदमी है। ओए तेरा डैडी बड़ा आदमी है, उसके पास टाइम नहीं होता है। हमारा क्या, हमारे पास तो फुर्सत होती है। और निशा जी, और लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। और शेखू से कह दीजिएगा कि अगली बार साथ रहे। शेखू? और शेखर जी मेरा दोस्त हो गया ना शेखर। अब तो हम लोग है ना हम ही साथ खेलेंगे, एक दूसरे की नाक पकड़ेंगे, कान पकड़ेंगे, गले में हाथ डालेंगे और मैं कहता हूँ हम सब करेंगे। लेकिन कैसे और कब करेंगे? महाराज आपने मुझे पहचाना? आप बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं वही दो शादी वाला हूँ। आपने कहा था कि मेरी दो शादियाँ हो जाएंगी, मेरी दो शादी हो गई। लेकिन आजकल मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ महाराज। परेशानी मत समझो बेटे, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ये परेशानी को परेशानी नहीं तो क्या असरानी समझे? ये परेशानी नहीं है, ये तो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, ये तो ट्रेलर है ट्रेलर। परेशानी तो अभी आने वाली है।
अभी आने वाली है। हाँ अरे यार ये तो लफड़े वाली बात है। ये तो वही नहीं। महाराज महाराज मेरी पूरी लाइफ भूकंप की डॉक्यूमेंट्री बन गई है और आप उसको ट्रेलर कह रहे हैं, यानी कि आगे कौन सी परेशानी आने वाली है? वो तो जब आएगी बेटे तब पता चलेगा, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। ये बार बार तब पता चलेगा क्यों बोल रहे हैं यार? कोई टॉप लेवल पंगा लग रहा है यार, कोई चक्कर चलाना पड़ेगा यार। अरे और कितना चक्कर चलाएगा यार, निशा के लिए तो तू पहले से ही 10 दिन से सिंगापुर में बैठा हुआ है। नहीं शेखर को अगर लाना है तो शेर सिंह को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सिंगापुर की फ्लाइट तो लैंड हो चुकी है, बस वो आते ही होंगे। अच्छा निशा जी मैं भी चलती हूँ, टोनी के पापा कभी आने का टाइम हो गया। हेलो तू यही पे बसने का राजा कर लिया क्या? ओ नहीं जी मैं तो आ रही थी। अरे कोई बात नहीं मैं आ गया। वो क्या है ना कि मैं गोवा जा रहा हूँ ना सब्जेक्ट सेटिंग के लिए 15 दिन के लिए, तो क्या कि अपनी बोटी से मिलके जाना चाहता हूँ। फिर एक नया बहाना। अच्छा निशा जी। अच्छा जी हाँ ख्याल रखना है। ओए कार्बन कॉपी हो, एक दूसरे की नोटबुक से क्या कॉपी कर रहे हो? हम लोग कॉपी नहीं कर रहे, हम लोग नक्शा बना रहे। हाँ और मैं सिंगापुर का नक्शा बना रहा हूँ और ये गोवा का। यार ये बच्चा लोग तो बहुत चंटे यार। अच्छा स्वीटी मैं चलता हूँ। निशा जी ख्याल रखना है। शेर सिंह जी हाँ जी थोड़ी देर रुक जाइए, आपके दोस्त आते ही होंगे। नहीं गाड़ी में जा रहे हैं ना, रास्ते में बहुत मोड़ होते हैं, घाट भी आ जाते हैं फिर। हाँ मम्मी इन्हें जाना तो पड़ेगा, अगर ये नहीं जाएंगे तो वो वापस कैसे आएंगे? कौन जाएगा नहीं तो कौन आएगा नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है। अरे चढ़िया अगर शेर सिंह जाएगा नहीं तो शेखर आएगा कैसा? हाँ क्या 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 कहना चाह रहे हो तुम लोग? हाँ मेरे पापा जाते हैं और इसके पापा बनकर वापस आते हैं। हाँ ये बात तो मैंने कभी पहले नोट नहीं की। क्या निशा जी आप बच्चों की नॉट नेसेसरी बात को नोट करके अननेसेसरी बात कर रही हैं? अरे कभी कभार इस तरह का इत्तेफाक हो जाता है। कभी कभार नहीं हमेशा ऐसा होता है। ओ जी आज तो आप रुकी जाओ। क्या बात कर रही हो स्वीटी, अगर मैं रुक जाऊंगा तो रोटी कौन कमाएगा? सारी जिंदगी रुकने को थोड़ी कह रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। ओए स्वीटी गोवा तो जाना है, कौन सी प्लेन या ट्रेन छूट जाएगी? बाय कार जा रहे हो ना, थोड़ी तेज उड़ा लेना गड्डी। ओ मुझे तेज चलाने में कोई हर्ज नहीं है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चेला रवानी जी है ना, ये रात को घाट नहीं चढ़ सकते, रात को सफर करने में इनको सफरिंग हो जाती है। सर आपने तो कहा था कि आपने घाट घाट का पानी पिया है, फिर ये घाट के सफर में सफरिंग कैसे होने लगी? नहीं नहीं क्लियर कीजिए क्या है उनको ना। उनको उल्टी सुलटी होने लगती है ना, बहुत बीमार हो जाते हैं। आप इतने बहाने क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर रुक जाइए, ये आते ही होंगे, साथ बैठ के एंजॉय करेंगे। हाँ जी। नहीं नहीं बहाने क्यों करूंगा जी, मुझे भी एंजॉय करना है। और इनकी प्रॉब्लम है अपनी, ये लोग बड़े बिजी लोग हैं। आप इन लोग से खुद पूछ लीजिए ना, जो जो आप लोग बोलेंगे हो जाएगा जी। आप बोलिए क्या करना है? बोलना क्या है, अरे सब मिलके एंजॉय कर लेंगे और क्या। हाँ, और क्या, सब मिलके एंजॉय नहीं कर सकते चरिया? क्यों नहीं कर सकते, क्लियर कीजिए। अरे अरे पिक्चर ऑलरेडी 7 साल लेट हो गया है, और लेट हो गया तो बहन जी हम लेट जाएगा यार। नहीं नहीं तब तो नहीं कर सकते। 7 साल से बन रही है, 7 रील कंप्लीट नहीं हुई, 7 घंटे और हो जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? और बच्चों का शक दूर करना भी बाप का फर्ज बनता है कि नहीं? ओए स्वीटी ओए अपने शक को बच्चों के शक का नाम मत दे। हाँ और मेरी रहन दिली का ज्यादा एडवांटेज ना उठाई, और मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। मेरा नाम शेर सिंह है। और शेर सिंह है तो चिल्लाते रहोगे, जब देखो चिल्लाकर चुप करा देते हो। आज देखती हूँ आप कैसे भाग जाते हो, आपको आपके बच्चे की कसम। ओए तू मुझे बच्चों की कसम देने की कोशिश कर रही है? कोशिश नहीं कर रही हूँ, दे रही हूँ। ओए तू मुझे बच्चे की कसम दे रही है? हाँ दे रही हूँ। तो ठीक है, यस यस, तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है दे दी तो दे दी, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है।